हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं एक फिर से एक पेनी स्टॉक लेके आया हूँ। वो है भरचन ग्लोबल एजुकेशन। और आज 24 तारीख है। आप देखेंगे ये BSE पे लिस्टेड है सिर्फ, और इसमें 12,70,000 का वॉल्यूम हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे आज ये प्रीवियस 32 पे खुला और ये 33 पैसे पे बंद हुआ है। और बिड प्राइस 32 पैसे की है और यहाँ पे ऑफर प्राइस है 32 की। तो आप 52 वीक लो हाई देखेंगे तो ये 31 पैसे का है और लो है, और 2.08 रुपये का हाई है। तो आप अच्छे खासे आज इसमें, टुडे का आज लो था 31 पैसे और 36 पैसे की हाई थी। अच्छा पैसा इसमें वॉल्यूम ट्रांजेक्शन हो। ये एक पेनी स्टॉक है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको इसको बाय करना चाहिए। तो वॉल्यूम कंटिन्यू इसमें देख लीजिए। अब नीचे वॉल्यूम भी दिखाया गया है। ऐसे शेयरों में आपको ट्रेड नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन अगर किसी को पेनी स्टॉक में मज़ा आता है, अगर अच्छा लगता है उनको, तो आप इसको देखिए। एक छोटा सा 32 पैसे का है। 50 शेयर भी लेते हैं तो 330 रुपया लगता है। और डिलीवरी परसेंटेज देखिए। और अगर ये 8 रुपया 10 रुपये तक गया हुआ है, तो अगर ये फ्यूचर में कभी चला गया तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें गेन देखने को मिल सकता है। इसमें देखिए ट्रेडिंग देखिए, डिलीवरी परसेंटेज 70%, 80%, 90%, आज की डिलीवरी 57%। तो अच्छी डिलीवरी है। जहाँ तक बुक वैल्यू की बात है, तो ये 13 करोड़ की कंपनी है। और प्राइस अर्निंग पी 8 है, इंडस्ट्री का 20 है। बुक वैल्यू इसकी 1.47 रुपीज़ है, तो वहाँ पे आपको 0.22 में मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये की फेस वैल्यू है। अगर इसके कंपनी के बारे में देखिए करती क्या है, तो ये देखिए ये एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस का भर्चू है। एजुकेशन से रिलेटेड इसका बिजनेस है। और ये स्किल ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेडिंग, प्रोफेशनल इंटरप्रेनर प्रोग्राम, डिजिटल एजुकेशन, ये सब में ये इंगेज है। अब ये किस तरह के मेन स्किल प्रोवाइड करती है, ये तो याद रखिए। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल है इसके पास। व्यवसाय सेक्टर स्किल है। आईटी सेक्टर स्किल है। सोलर एनर्जी सेक्टर स्किल है। कंस्ट्रक्शन, रिटेलर, एग्रीकल्चरल, इलेक्ट्रॉनिक, सिक्योरिटी, बीओआरटी, इस तरह की स्किल को ये, टेलीकॉम, हेल्थ केयर स्किल को ये प्रोवाइड करती है। और यहाँ से सर्टिफिकेशन भी देती है। ये देखिए वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड इंडियाज प्रीमियर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर्ड कैंडिडेट देखिएगा 1,37,000 है। ट्रेन कैंडिडेट 93,000 है। सर्टिफाइड कैंडिडेट 122 है। तो ये सब इनका एक एजुकेशन है, जो वर्चुअल एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी देती है और आपको सिखाती भी है। तो ये इस तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। ये छोटा सा इसका दायरा है जहाँ चलता है। ये BSE में लिस्टेड है। और प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो आप देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग कंटिन्यू 18 मार्च से सेप्टेम्बर 18 तक 23% बनी हुई है। एक रोमांचक चीज़ आपको बताता हूँ। FI ने यहाँ पे 5.53% SEB शेयर में FI की होल्डिंग है। एकदम छोटे से माइन्यूट शेयर है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो FI ने होल्ड करके इसको रखा हुआ है। तो एक अच्छा चीज़ दिखता है। पता नहीं यहाँ पे FI का क्या व्यू है इन पे। फाइनेंशियली भी अगर देखें तो बहुत खास, मतलब कि ख़राब तो नहीं है। ख़राब मतलब कि बहुत बड़ा बिजनेस तो होता नहीं एजुकेशन सेक्टर में, तो बहुत कुछ कमाई तो होनी नहीं है इनकी। तो उस हिसाब से हम कोई खास गेन इसमें नहीं देखेंगे। अगर मैं लास्ट जनवरी 17 से लेकर के देखिए अक्टूबर 18 के बीच में देखूं, तो ये 6.69 रुपये तक गया था। और अभी लोएस्ट हाई लो बनाया हुआ 0.31 का, जो आज ही गए। तो कंटिन्यू से आप देखेंगे ये ऊपर नीचे 1 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, यहाँ पे 2 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये करके ये गिरते गिरते जाते हैं। और 52 पैसे से 32 पैसे पे आ रहा है। ओवरऑल इसने 100% का मार्केट कैप लॉस कर दिया इसने। जितना था उसकी पूरी वैल्यू को जीरो कर दी इसने। ये देखिए पूरा आपको ऊपर नीचे अप डाउन सब दिखेगा। ये 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये तक भी गई हुई है। 6.58 रुपये का भी हाई बनाया है। तो 6.69 भी है और लो 0.31 भी है। तो ये तो इस सेक्टर के बारे में, इसके कोई खास न्यूज है नहीं। अभी होल्डिंग परसेंटेज आपको दिखाई दिया, कोई गिरवी भी नहीं है। अगर प्रमोटर की मैं इसकी गिरवी की बात करूँ तो वो इन्होंने प्लीज भी नहीं करके रखा है। अगर मैं इसके शेयर को प्लीज जाकर देखो कि इन्होंने कोई प्लीज भी किया हो, तो इन्होंने कोई भी प्लीज करके नहीं रखा, शेयर को प्लीज करके नहीं रखा है। मेन जो जो है इनके प्रकाश चंद गोयल जी 1.IKF टेक्नोलॉजी 18% के साथ, और श्री एशेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड 3% के साथ। तो ये तो है इनके साथ। अगर इनके पीयर्स को देखें, पीयर्स में देखेंगे तो अच्छी अच्छी कंपनी आपको मिलेगी। जी लर्न है, अच्छी कंपनी है। विथ मार्केट कैप भी देखिए 1,252 है। ये सब तो रिकॉग्नाइज कंपनी है। NIT देखिए 71 रुपये पे आपको मिल रही है। तो ये सब हो गई आपकी प्रीमियम कंपनियाँ। अब ये देखिए आप, हम जहाँ वर्चुअल ग्लोबल है 32 पैसे पे है, मार्केट कैप 13 करोड़ है, और आप देखिए ये सेल्स टर्नओवर 36 करोड़ का है, प्रॉफिट 2.40 करोड़ का,
और टोटल एसेट इसके पास 64 करोड़ का है, ये तो इसकी कहानी है। और अगर हम इसके पास देखें रिजर्व, तो रिजर्व भी इसके पास 20 करोड़ का है, तो डेब्ट की बात करें तो सिर्फ 2 करोड़ का है। तो कंपनी कहीं से ठीक है, अगर चलाने लायक है, अगर मैंने बुक वैल्यू देखिए 1.47 है, तो ठीक ही कंपनी दिखती है। इसमें जुआ खेलने के लिए तो अच्छा है, और रिस्क लेने के लिए अगर हम देखें सेल्स देखें तो सेल्स यहाँ पे ज़्यादा इन्होंने दिया नहीं है डाटा अपना, मार्च 18 का देखें तो देखिए कंटिन्यूस ये सेल्स मार्च 18 में तो इन्होंने बढ़ते हुए दिखाया है। और अगर क्वार्टरली में देखें, अगर इन्होंने अगर रिप्रेजेंट किया हुआ, तो क्वार्टरली में देखें यहाँ कम हुआ है, इनकी जो इनकम हुई है यहाँ पर कम हुई जून 18 में, 39 करोड़ जहाँ पहले चल रहा था 78 करोड़ चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने अभी कम दिखाया है। नहीं, ये वर्चुअल ग्लोबल का कंपैरिजन है, वर्चुअल ग्लोबल का सिर्फ 4 करोड़ है, जी लर्न का 39 करोड़ है, NITT का थर्ड, ये कंपैरिजन में आप कंपैरिजन शीट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वर्चुअल ग्लोबल का लोवेस्ट है, जी लर्न का देखिए 39 करोड़ है, अच्छा खासा है ये, वो जी लर्न के कंपेरिजन में तो बहुत अच्छा नहीं है। बट अगर मैं इसके फाइनेंशियल की बात करूँ, इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूँ और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखने की कोशिश करें अपन, जो जून 18 का है, तो जून 17 में 15 करोड़ का था, तो 4 करोड़ का आया हुआ है। और अगर इसकी ने प्रॉफिट बोले तो यहाँ पे 1 करोड़ की थी, तो यहाँ पे आकर के 11 लाख का हो गया, आपको 37 लाख का यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये तो प्रॉफिट में हुआ, वो खास नहीं है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा खास चल नहीं रही है, चले तो अच्छी बात है। रिजर्व सरप्लस में देखें तो 12 करोड़ की जगह पे आप जानते देखेंगे ये 12 14 था, वहाँ पे 19 करोड़, तो रिजर्व में इन्होंने अच्छा खासा अपना एक्यूमुलेशन किया है। और टोटल डेब्ट जो देखेंगे तो वो खास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है नहीं इनके पास, 34 लाख का यहाँ पे बता रहा है अभी करंट में मार्च 18 में जो बता रहा है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग बता रहा है तो टोटल 3-4 करोड़ का, तो ये को खास इसमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला अपने को। ट्रेड रिसीवेबल है, बुक्स वगैरह है इनके पास, तो रिजल्ट के अनुसार कहें तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव तो नहीं दिखता है रिजल्ट, बहुत अच्छा ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर एक बार इसको 9 मंथ का भी देख लेते हैं, 9 मंथ में कुछ होगा नहीं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट जून 18 का ही दिया है इसने, तो यहाँ पे तो कोई सेल्स गिरा ही है, जून 17 से गिरा ही है, तो ये एक पेनी स्टॉक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको करने को मिलेगा नहीं। हाँ, बट अगर आपको कोई रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। और ये अगर मैं थोड़ा सा इसके पास ट्रेंड देखूं तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक ये प्लस दिख रहा है कि ये अब थोड़ा सा ऊपर की ओर लिया है CCI, टेक्निकली देखूं तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिल जाए। अगर मैं यहाँ स्टॉकिस सारे सही देखूं या विलियम्स तो अपवर्ड साइड लिया है, और ये बहुत दिन से गिर रहा है, कंटिन्यूस ये गिर रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ से सेल जनरेट हुआ था 65 पैसे जब था, ये 10/9/2018 को यहाँ से सेल जनरेट हुआ था, और उसके बाद कंटिन्यू फॉल कर रहा है। और जिस दिन ये आपको मान के चलिए 39 पैसा क्रॉस करेगा, 40 पैसे के आसपास करेगा, तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होगा और अच्छा काम भी करेगा। तो आपको सिग्नल भी अच्छा देगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये लो जो है आपका 8 दिन का डेमा जो दिख रहा है, 8 दिन का डेमा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो 36 पैसे का है, तो यहाँ यहाँ पे 33 पैसे के आसपास, तो यहीं पे नियरेस्ट ये आकर के अभी यहाँ खड़ा है। चार्ट में देखें तो जब तक ये इस प्राइस को नहीं क्रॉस करता है जो कि 39 पैसा है, तो अच्छा नहीं देखेगा। इस 50 पैसे के ऊपर तो ये अच्छा दिखेगा, फिर भी आप इस पे वॉच रखिए, ये बहुत कम है। अगर 1000-1000 करके लीजिए, अगर देखिए आपको इस पर छोटे पेनी स्टॉक में खेलना है तो ये एक अप ट्रेंड तो दिखा रहा है, तो यहाँ से आपको ये जाने को मिलता है। और अगर 50 पैसा तोड़ता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, आपको गेन भी आ सकता है। अगर हम इसको देखें, जस्ट मिनट रुकिए, इसके मूविंग एवरेज को, इसके मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बार देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, वीकली को देखते हैं, वीकली मूविंग एक्सपेंसेस को देखते हैं एक बार इसके, लेकिन एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में कोई ये नहीं होता है, ट्रेड करने का रूल नहीं होता है,
तो आप इसको ट्रेड नहीं भी करें लेकिन अपने वॉच लिस्ट में रखें। तो और देखिए वॉल्यूम भी हो रहा है, सबसे अच्छी बात है कि वॉल्यूम भी लेके चल रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ा है इसलिए यहाँ पे चांसेस ये अपवर्ड ले सकता है। और अगर मैं बताऊँ आपको तो वीक बेसिस पे चलें तो 48 पैसे का जो इसका वीकली है 9 दिन का टाइम है, अगर ये क्रॉस करता है तो आपको 62 पैसे देखने को मिल सकता है, और 62 पैसे अगर क्रॉस करता है तो आपको 1 रुपया 10 पैसे देखने को मिल सकता है, और 1 रुपया 10 पैसे क्रॉस करता है तो 2 रुपये 22 पैसे देखने को मिल सकता है, और 2 22 क्रॉस करता है तो 4 40 देखने को मिल सकता है। तो ये तो इसका ट्रेंड है, एक बार इसको वॉच लिस्ट पर रखिए या थोड़ा लीजिए और 48 पैसे पर लीजिए तो आपको यहाँ से गेन देख सकते हैं। तो खोने को तो यहाँ पे मेरे को कुछ खास दिखता नहीं है कि यहाँ पे कुछ आप बहुत कुछ खोएंगे, ऑलरेडी सब खो चुका है इसमें, तो खोएंगे क्या आप? अभी ये सारे लेवल को तो तोड़ के नीचे ही बैठा हुआ है, कोई भी लेवल छोड़ा नहीं है, इसका लास्ट जो लेवल था वो भी सब तोड़ दिया है, 48 पैसे का तो वो भी तोड़ के 33 पैसे में, तो अपने लोवेस्ट बॉटम पे ये काम कर रहा है, खोने को इसमें कुछ है नहीं। ये सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से लेके बात करके, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही लें। और ये पेपर ट्रेडिंग करें आप, इसको अपने लुक में रखें और होल्ड करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था, और देखने नीचे दिए बटन को सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, अपने कमेंट्स डालें, और जितने आप कमेंट्स डालेंगे उतने अच्छे लगेंगे, हम अपने आप उस पर आपको रिप्लाई भी जरूर करते हैं, सारे कमेंट्स पे आपके रिप्लाई किया हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं। जैसे ऊर्जा ग्लोबल एक पेनी स्टॉक मैंने आपको दिया था और वो देखिए कंटिन्यूस बढ़ रहा है, 1 रुपया 80 पैसे पे दिया हुआ था, आज 2 रुपया 70 पैसा है। तो ठीक है, ये कहने को है लेकिन इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। वॉल्यूम इसे मुझे अच्छा दिखा, और चूंकि देखा कि एक CCI पे दिखा रहा ऊपर की ओर ले रहा, तो मैं सोचा एक बार इसको रिकमेंड करता हूँ आप लोग के लिए। देखिए, वॉच लिस्ट में रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लीजिए। धन्यवाद।